अस्सलाम वालेकुम। खाने की चाहत में खुश आमदी। आज मैं बना रही हूँ बैंगन, भुना भुना सा बैंगन आलू का सालन। तो इसको काटते हैं बैंगन को। अच्छा, इसकी किस तरह मैं कटिंग करूँगी मैं बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह कटिंग करना है मुझे। ये निकाल देना है ऐसे करके, ये, और ये यहाँ से ये कर देना है। और मैं इसको ऐसा लंबे लंबे सा, ये देखिए, ये बहुत ही कच्चे बैंगन है, बहुत ही अच्छे बैंगन है। तो मैं इस तरह इसको काट लूँगी, ये देखें। अच्छा, जो बैंगन होता है ना, और कच्चा बैंगन, उसकी पहचान मैं बता रही हूँ। देखो, देखिए, ये नरम होता है ये, और इसकी डंडी जो है ना, ये हरी हरी है। अगर आप लोग इस तरह के बैंगन देखें तो ख़रीदा, जब बैंगन पकाना हो तो इस तरह के बैंगन ख़रीदा करें। ये देखिए, नरम होता है ये, कच्चा बैंगन, इसकी पहचान में बताए। और ये डंडियाँ जो होती हैं ना इसकी, ये डंडी, ये हरी होती है, जैसे ये हरी है। तो इस तरह मैं काट रही हूँ, ये देख सकते हैं, बहुत ही कच्चा बैंगन है ये। इस तरह मैं, ये आधा किलो मैंने बैंगन लिया है, तो इस तरह मैं सारे बैंगन को काट के अब दिखाती हूँ आप लोग को। अच्छा, बैंगन को काट के मैं पानी, इसमें इस पतीले में पानी रख लिया है, पानी में बैंगन काट रही हूँ, डाल रही हूँ बैंगन, वरना बाहर रहेंगे तो काले पड़ जाते हैं। अच्छा, देख सकते हैं, ये मैंने आलू भी काट के रखे हैं, दो आलू लिए हैं, ये दो आलू हैं, उसको ऐसे लंबे लंबे काट के रख लिए हैं, देख सकते हैं। यानी एक आलू का मैंने 6 पीस किया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा बैंगन भी कट चुका है और आलू भी, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालूंगी मैं, देख सकते हैं, ऑयल डाल दिया मैंने। अब मैं आलू को जब तक इसमें ब्राउनी कोटिंग ना आ जाए मैं इसको फ्राई करूंगी। अच्छा, ये ब्राउन कोटिंग आ जाए इसमें, और तकरीबन ये 95% पक जाए, तो फिर मैं इसे उतारूंगी। देख सकते हैं, ये मेरा आलू हो गया है, ब्राउनी कोटिंग भी आ चुका है आलू के ऊपर। अब मैं इसे उतार रही हूँ, ये तकरीबन 95% पक गया है, ये देख सकते हैं, ये उतार के रख लिया। अब मैं डालूँगी इसमें बैंगन, ये बैंगन डाल रही हूँ मैं। इसको भी मैं तकरीबन 90% इसको मैं पकाऊंगी। इसमें भी ये जब तक थोड़ा सा पक नहीं जाए मैं इसको भूनते रहूँगी। मैं इसमें डालूंगी, आप नमक डाल दिया मैंने इसमें, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से ये होता है कि इसका जो कलर है ना वो बरकरार रहता है, ख़राब नहीं होता कलर। और नमक भी मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं, बैंगन भी मेरा हो गया मेरे बैंगन। तो इसको भी मैं उतार लूँगी, हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई करके रख लिया है, ये देख सकते हैं, ये पक गए हैं बैंगन। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। तड़के के लिए मुझे डालना है, ये देख सकते हैं, मेथी दाना है और ज़ीरा है, ये मैं डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया,
चूल्हा थोड़ा सा तेज किया, मेथी दाना और जो है जीरा वो मेरा कड़कड़ाने लग गया है, तो इस वक्त मैं डालूंगी अदरक लहसुन। धड़धड़ा मैंने इसको पीस के रखा हुआ है कूट कर, तो ये मैंने डाल दिया इसमें। आप लोग फ्रेश लिया करें तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों में। तो इसको भूनना है मुझे, इसमें से खुशबू आने लग गई है अदरक लहसुन में से। तो इस वक्त ये देख सकते हैं बारीक बारीक कटी हुई ये प्याज है, बारीक बारीक काट के मैंने रख लिया है। तो अब मैं इस वक्त ये डालूंगी, इसको सिर्फ नरम करना है मुझे। देख सकते हैं इसमें जो मसाला मैं डालने वाली हूँ वो है आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच है किसी भी लाल मिर्च, आधा चम्मच से भी कम है ये, और आप लोग जितना खा सकते हैं आप लोग डालें। कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्च है बहुत कम थोड़ी सी चम्मच का चौथाई हिस्सा, नमक है हसबी जायका और ये है हल्दी। तो ये सबको मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि प्याज मेरी नरम हो गई है। तो अब मैं इस वक्त ये डालती हूँ, ये देख सकते हैं ये सारा मसाला मैं डाल रही हूँ। इसको भूनूंगी थोड़ा सा भूनकर, इसको भूनना है मुझे। अच्छा मसाला मेरा भून चुका है, शायद आप लोग को नज़र आ रहा हो, मसाला जो है भून चुका है। अब मैं इस वक्त डालूंगी टमाटर, देख सकते हैं बारीक बारीक मैंने काट के रख लिया, एक बड़ा सा टमाटर था उसको, तो अब ये टमाटर मैं इसमें डाल दूँ, इसको भी मैं भूनूंगी। अच्छा देख सकते हैं टमाटर मेरा भून चुका है, आप टमाटर मेरा भून चुका है। अब मैं इस वक्त डालूंगी ये दोनों चीज़ें डाल दूंगी क्योंकि दोनों ही तकरीबन 90-95% पका लिया है इसको, फ्राई करके निकाल लिया था। तो अब मैं ये डाल के दम पे रखना है मेरे को। अच्छा ये कट कट करके मैंने टमाटर रख लिया था, दो तीन चार पीस हैं ये छोटे छोटे खड़ा खड़ा, तो ये भी डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा खूबसूरती आती है, इससे बहुत अच्छी खूबसूरती आती है। तो ये मैंने डाल दिया, अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने डाल दिया। और हल्की आंच में, बहुत ही हल्की आंच में मुझे इसे रखना है 3 मिनट के लिए, बस हल्की आंच में मैं रख दूँगी। इसको कवर करके मैं रख देती हूँ, देख सकते हैं मैंने कवर कर दिया, और 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में दम के लिए रख दिया है। अच्छा पक चुका है मेरा ये, बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। डिश आउट कर दिया है मैंने, देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही जितना ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में ये टेस्टी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं।
ये बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग अगर किसी मेहमान के सामने रखेंगे ना, तो आप लोगों से पूछेंगे मेहमान के किस तरह बनाए, हमें भी तो बताओ, हम भी बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनाए। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, टेस्ट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है आप लोगों को, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले रेसिपी में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।